हेलो जी, क्या हाल चाल। सो फाइनली वेलकम बैक टू अ मीम रिव्यू। मैं अभी लेटा हुआ था, जरा रेस्ट कर रहा था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये मीम रिव्यू वगैरह इनको बनाना चाहिए क्योंकि आप लोग इनको बड़ा मिस कर रहे हो। तो मैंने कहा कि लेट्स गो बना लेते हैं, कोई मसला ही नहीं। बस बालों में थोड़ा बहुत हाथ फेरा मैं इधर आके बैठ गया वीडियो बनाने। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे भाई ये बालों में हाथ बस फेर के ऐसे बैठ जाने वाली जो आदत है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा। मुझे फुल तैयार हो गया चाहिए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह पता है, मैं बताता हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम, मैंने आपको बताया था कि भाई थोड़ा बहुत रेगुलर हुआ मैं इंस्टाग्राम पे, रील्स वगैरह अपलोड करनी शुरू की है, तो आप लोग फॉलो भी कर सकते हो। तो मैंने एक रील अपलोड की, ये वाली, ये चेक करना जरा। अब इसमें मैं थोड़ा सा क्यूट लग रहा हूँ, ठीक है। भाई मैं थोड़ा तैयार हुआ था। अब लोग पता है क्या कमेंट कर रहे हैं। एक बंदा कहता है, नोमी तूने किसी और की बॉडी पे अपना मुंह लगा के रील बना दी। क्यों? देखो यही तो पावर है भाई। ठीक है, बैठे हैं, ओके, जिंदगी गुजर रही है, लेकिन जब मुंह धो के बाल बना लिए तो भाई लोग ये कहे, ठीक है। और मैं क्यों ना तैयार होता। भाई मेरे दोस्त की शादी थी, चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, तो इतना तो वो भी डिजर्व करता था। इसकी और पिक्चर्स वगैरह मैंने भी बनाई है, वो भी मैं अपलोड करूंगा, तो सब कुछ आएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, तो ये फॉलो कर लेना। और आज के लिए हम लोग मीम्स कहां से देख रहे होंगे, वो हम लोग देख रहे होंगे इंस्टाग्राम की ये एक्सप्लोर सेक्शन से, ये यहां से। ये देखो, यहां ये काफी सारी मीम्स आ जाती है। अब आप लोग भेज नहीं रहे मीम्स, मैं क्या करूं, कहां से देखूं। तो आज फिर जो इंस्टाग्राम पे वायरल रील्स चल रही है, हम लोग उन्हीं को देख रहे हैं। और यहां मैं ये भी अनाउंस कर रहा हूं कि यू लाफ यू लूज वापस आ रहा है, और ऐसे ही वापस नहीं आ रहा कि हाँ अभी वीडियो नो पैसा मिलेगा आप लोगों को। जिस रील में मेरी हंसी निकल गई उस पे भाई मैं, यानी कि आई लूज मनी। तो इसके लिए आप लोग फनी फनी सी रील सबमिट करो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में। और रील्स फनी होनी चाहिए, अच्छी रील्स होनी चाहिए, ऐसे ही बस कुछ भी अपलोड ना करना यार, प्लीज। सो लेट्स गो, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चेक करो, समझ नहीं आती, सारे कहते रहते बूट स्पेस नहीं है, बूट स्पेस नहीं है, बूट स्पेस नहीं है। तो आपने कोई डिग्गी लगवाई है? नहीं नहीं डिग्गी नहीं लगवाई हुई, मैं हमेशा मोस्टली ना जूते उतार के गाड़ी चलाता हूँ, तो ये देखे ना बूट्स में ऐसे सारी स्पेस आ गई है, ये बूट्स में इतनी स्पेस है, दोनों में काफी स्पेस है। ओके, तो भाई ये बॉय के पास मेहरान है और वो मेहरान को फुल चुक के रखता है, ठीक है, कहता है बूट स्पेस नहीं है, बूट उतार के रखे किस पे। ओके नाइस, गुड मीम। इफ दिस मैन इज नॉट वर्दी इनफ टू कैरी थोर्स हैमर बाय नाउ, देन द एमसीयू इज 100% ब्रोकन। He went from not being able to carry Thor's hammer to carrying the entire multiverse. This is Loki for you. भाई Loki 2 is the bestest season जो Marvel ने आज तक produce किया है। भाई वो बंदा शुरू में throne के पीछे लड़ा करता था, उसको throne चाहिए था, फिर वो इस चीज से डरा करता था कि वो अकेला ना हो जाए, उसको दोस्त मिले, लेकिन उसको उनको भी छोड़ना पड़ा सिर्फ और सिर्फ peace के लिए, और end पे boy बैठता है throne पे अकेला। ओए 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 भाई बेस्ट। भाई ये मसला बता गया, मैं देख रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम से और मुझे सारी जो रील्स रिकमेंड हो रही हैं वो ये मोरबियस आ गया, ये ओडिन आ गया, ठीक है, ये वो सुपरमैन आ गया, सारा सुपर हीरो भरा पड़ा है भाई मेरे इंस्टाग्राम पे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, यही चल रहा है इंस्टाग्राम पे। क्या कर रहा है यार भाई वो बंदा, ये देखो ये बंदे ने शुरू कहाँ से किया, ये देखो, ठीक है, फुल चिलिंग्स। और यार ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, फनी है लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है यार। यार यार अच्छा, दोबारा दोबारा, ये देखो 13 दिन रहते हैं और वो हंस रहा है, ठीक है, 13 दिन 12 दिन के हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है। ये घंटे रह गए, अब मिनट रह गए, सही है, मिनट रह गए और उसके बाद सेकंड भी रहेगी, ये सेकंड टेंशन होगी। नाइस। When she comes in suit सलवार, don't just simply say wow. Okay. Sing this instead. मुझे क्यों रिकमेंड हो रही है रील्स, पता नहीं भाई। ओके मूवी चेक, चेक, ठीक है, पॉपकॉर्न बोल्टॉन चॉकलेट चेक, हॉट गर्लफ्रेंड विद स्वेट पैंट्स एंड अ हुडी नोट चेक, पॉपकॉर्न, फिर पॉपकॉर्न भी आ गया। ओके भाई हर चीज है लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं है, इट इज ओके भाई, शायद इसीलिए लाइफ परफेक्ट है, ठीक है, लेट्स गो। मावर रिक्रिएटेड दिस अगेन। ओके लेकिन वो उसको जानती थी यार, माई एमजे तो भूल गई पीटर को, लेकिन ये सिल्वी तो जानती थी इसको यार, हाँ स्टिल पता नहीं क्यों। और बॉय ने यार सिर्फ, ठीक है, इसके लिए अब इसके पास ना यार, मैं इस पे बात कर सकता हूँ, ये एक सुपर हीरो यानी कि लोकी का कोई रिव्यू नहीं है, ये कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं है, लेकिन फॉर ऑल मार्वल फैंस भाई, बॉय को च्वाइस थी कि वो उस लड़की को मार दे, ठीक है, या
वो ये स्टेप ले ले कि वो अकेला हो जाए, वो खुद लोकी हु रिमेंस बन जाए, एंड ही हैव चूजन दैट। भाई क्या बात है, क्या क्या राइटिंग है यार, इस सीजन की बेस्ट राइटिंग है भाई ये देखो भाई, मार्वल फैंस अबाउट लोकी, ही वाज द बेस्ट गाय अराउंड, ठीक है। बहुत मुश्किल से एक फीमेल फ्रेंड भी बनी थी, उसका भी दिमाग का स्क्रू ही लग है भाई। भाई ये लोग अभी भी कर रहे हैं, लोगों को अभी तक समझ नहीं आई कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये मूवी मैंने प्यार किया 1989 की है, 34 साल 34 ईयर्स पहले की मूवी, और इसका डायलॉग है, एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, ये तो एक पर्दा है, पर्दा कपकपाती रातों में धड़कते हुए दिलों की भड़कती हुई आग को बुझाने का। कपकपाती रातों में धड़कते दिल की भड़कती आओ यार, ये तो कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया। 1989 की मूवीज क्या कर रहे हो, लेकिन भाई दिस इज ट्रू। रियलाइजिंग लोकी सेव्ड ऑल टाइमलाइंस एंड हिज फ्रेंड्स बट विल नाउ बी अलोन फॉरएवर, ओके हां हां हां, लेकिन देख ले पहले ये मजा आ गया भाई। ओके सो द थिंग इज, लोकी हमेशा के लिए अकेला है, ये अब तक यही है कि अब हमेशा के लिए वो अकेला रहेगा, लेकिन बात पता है क्या है, वो उस वक्त तक अकेला रहेगा जब तक एक ऐसा बंदा नहीं आगे स्टेप अप करता जो लोकी की जगह ले ले, मे बी वो ही हू रिमेंस हो, जो कैंग है, पता नहीं क्या करते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि अब ये ना कैंग को भी थोड़ा यानी कि नीचे कर रहे हैं, अब इसकी स्टोरी को बदल रहे हैं, पता नहीं क्यों, इनकी आपस में कोई चक्कर चल रहे हैं, इनकी मूवीज उस तरह अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो ये उसको दोबारा से रीराइट कर रहे हैं, क्योंकि एवेंजर मूवीज जो होती है वो यानी कि वो एक धमाका मूवी होती है, तो इनको लग रहा है कि जो कैंग वाली स्टोरी है वो उतनी अच्छी नहीं है, मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन इसलिए इन्होंने कैंग को अब ना एक अच्छा बनाना शुरू कर दिया। आप लोग देख रहे हो कि वो इवल नहीं है, तो ये शायद अभी इवल वाला आया ही नहीं है, वो टाइम ही नहीं आया। ये वाला जो था, ये जो ही हू रिमेंस था, ये तो बड़ा क्यूट था भाई, उसको समझाता रहा कि तू ये करिए कर, उसने टाइम रोक दिया, लोग कहते खैर चलो कोई बात नहीं, क्या मैं घंटा बोल सकता हूँ भाई, लेकिन हम मीम्स देख रहे हैं ब्रो, आई एम लैगिंग ब्रोस फोन, ओके। भाई एक ये भी होता है ना कि जब आप किसी से 1v1 हार जाते हो तो आप कहते हो भाई मैं तो लैग कर रहा हूँ यार, मैं तो लैग कर रहा हूँ, हालांकि लैग नहीं है, आपकी स्किल ही शिट है, ठीक है, और बस फोन भी आपका अच्छा, हर चीज अच्छी, लेकिन आपकी स्किल शिट है। और अगर आप कभी भी मैच हारते हो तो बस ये कह दो मैं लैग कर रहा हूँ, ये चीज बेस्ट कवर है हर चीज का, और अगला बंदा मान भी जाता है। You'll always be the god of mischief. भाई यार ये हर दूसरी रील क्यों है मार्वल पे, You'll always be the god of mischief. But you could be more. ओए यार ये जो वॉक है ना भाई, ये तो लोकी की वॉक है भाई, ये एंड ये बैठा आई लोकी प्रिंस ऑफ एस्गार्ड द राइटफुल किंग ऑफ योटनहाइम गॉड ऑफ मिस्चीफ। ओ भाई बर्डन्ड विद अ ग्लोरियस पर्पस, भाई बेस्ट यार बेस्ट। मीटिंग माय लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। भाई ये कौन है जो रोड पे ही सट कर लेते हैं यार, यानी कि यहाँ तो ऐसा करने के लिए यानी कि पार्किंग में गाड़ी लेकर, अच्छा यार नहीं मतलब के हाँ चेक करने के लिए या ओके फिर फिर क्या हुआ आगे, क्या हुआ मिलने के बाद, वो तो बताओ यार, ये बड़े हरामी है भाई, जैसे मूवीज में नहीं होता कि बस वो शादी करवा आगे हैप्पी एंडिंग लिख देते हैं, आगे देखना है मुझे कैसे हैप्पी एंडिंग, कौन सी हैप्पी एंडिंग यार, ओके नहीं आगे चलो। फॉर ऑल ऑफ अस आई कैन रीराइट द स्टोरी। भाई एडिट्स यार एडिट्स, भाई बंदा सारी टाइमलाइनें खत्म करके दोबारा बना देता है यार, हिसाब लगाओ उसका। लोल यार, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ जो लोकी का वर्जन है, ठीक है, इसके अंदर वो थैनोस वगैरह का क्या सीन है, वो तो चलो गुजर गए ठीक है, लेकिन अब आगे के लिए क्या है, अब जो इसके सारे वेरियंट्स थे इन टाइमलाइन में वो किस तरह है, इसका एक आफ्टर इफेक्ट भी दिखना चाहिए ना कि इसके बाद हुआ क्या, तो लेट्स होप अगली उसमें ये लोग इसको क्लैरिफाई करें थोड़ा सा। भाई हर रील क्यों दे रहे हो मुझे ना दो, ये नहीं चाहिए, no more Loki guys, no more Loki, they are finally asking out my best friend on a date, okay, and she said yes. बात बता गया, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि लड़का लड़की दोस्त नहीं होते, भाई अभी
इससे पहला बार ये एक रील होगी, फनी होगा कुछ भी, लेकिन वो देखो उसने कहा कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को डेट के लिए पूछा और उसने हाँ कहा। क्यों कहा हाँ, क्यों कहा हाँ भाई, क्यों कहा? और आप लोग भी जानते हो सोशल मीडिया पे, आप भी देखते होगे कि लोग अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शादियां भी कर लेते हैं। तो भाई ये सिर्फ वो जैसे भी मूवी का सीन था, ये तो एक पर्दा है, कपकपाती हुई रातों में धड़कते दिलों की भड़कती पतनी प्यास मुझे ये सीन है। ओके लेट्स, इसने क्या कहा है, मेरे साथ डेट पर चलेगी, बेस्ट फ्रेंड्स डेट। ओके ठीक है जी, उसको ये सुनने को मिल रहा है इतनी। भाई क्या लड़कों की भी लड़कियां दोस्त होती हैं, कभी लड़कियों के साथ इंटरेक्शन नहीं हुई इसलिए पूछ रहा हूँ। भाई ऐसे ही है भाई, ये फारिग सीन है, इन चक्रों से दूर रहो, फ्रेंड जोन, गैस फ्रेंड जोन नहीं होना, जो है ना खत्म कर दो। मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर आप लोगों में से कोई जो बंदा मुझे देख रहा है ठीक है, वो खत्म कर दो। ये चीज बहुत ही बुरी है यार, मुझे नहीं समझ आती बॉयज को ऐसे तरसने में क्या वो मिलता है यार। एक टाइम था ठीक है, हम लोग शेरों से लड़ रहे हैं, सही है, शेरों से लड़ रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं और चीजें बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, सब कुछ किसने किया, मर्दों ने किया ठीक है। आज एक साइड ऑप्शन बने हुए यार, ये फनी लग रहा है लेकिन ये बहुत डार्क है, इसको फील करो। और अगर आप लोगों में से कोई फ्रेंड जोन वाले उसमें है ना भाई, मैसेज करो कि भाई खत्म, वी आर ओवर। और मैं बता रहा हूं अगर आप लोग इसलिए उसके फ्रेंड बने हुए हो ना, कल को शायद ये मुझे एक्सेप्ट कर ले, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी अनलेस कि आप ये फ्रेंड जोन से बाहर ना आ जाओ। भाई हैव सम रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ यार, ये सब कुछ खत्म करो, नीचे कमेंट करके बताओ कि भाई मैंने खत्म कर दिया इसका, और देखना महीने के अंदर अंदर आपकी सारी चीजें अलाइन कैसे होती। औकात ने औकात को औकात दिखाकर पहली वाली औकात को दूसरी वाली औकात ने दिखाकर औकात दिखा दी, ये क्या है? ओके दोबारा औकात ने औकात को औकात दिखाकर फिर पहली वाली औकात को दूसरी वाली औकात ने औकात दिखाकर औकात दिखा दी। ओ यार नेस्टेड औकात लगी हुई है भाई इधर। अगर आप लोग नोट करो तो लोकी ने जो ट्री बनाया था टाइम लाइन का, उसका कलर ग्रीन है, और जो टाइम स्टोन होता है उसका भी कलर ग्रीन होता है। तो वाकई दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि उसी ने ही ये टाइम स्टोन बनाए हों, और फिर वो जो सारी जंग थी वो थैनोस और ये वो सारी लोग, अब तो लोकी उन चीजों के वैसे ही बड़ा ऊपर चला गया ऑफकोर्स। भाई ये क्या है यार। ओके दोबारा ओके नाइस यार व्हाट इज दिस यार, ये क्या है यार। यार और अगर मैं गुस्से में एक बार कह दूं मुझे बात नहीं करनी ओके कि जब मैं हंस से आगे तो दफा मत हो जाया करो, प्यारी प्यारी बातें करके मुझे बनाया करो। ओके ऐसी रील्स में देखता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ कि ओके ठीक है ओके मान लिया, लेकिन अगले बंदे ने लाइफ में ऐसा क्या उखाड़ा है जो वो ऐसा ट्रीटमेंट डिजर्व। ओके यार मैं ठीक है यार, मैं किसी का ना माइंड वो टॉक्सिक नहीं कर सकता ठीक है, किसी के माइंड को मैं इन्फेक्ट नहीं करना चाहता, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रील ठीक है। लेकिन आप लोग समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेट्स गो। थोर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एमसीयू कैरेक्टर, ही विदस्टूड अ फोर्स ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। भाई ऐसे ही है, लोकी का स्वैग है इसमें, लेकिन लेट्स सी आज की वीडियो का टाइटल भी यही होगा कि लोकी एडिशन। ओके अब आएगा लोकी, वेक अप टू रियलिटी। ये भाई टाइमलाइन हाथ ओ भाई टाइमलाइन हाथ में पकड़ के बंदा मल्टीवर्स पूरी हाथों में उठा के रखी है बंदे ने। Oh yeah, that the look on his face, yeah. His why divorce rate are so high, okay? Kya hua? Why are you crying? I was on your computer and I found a file that says my documents. Oh, and I don't understand why it doesn't say our documents. क्या है यार ये, वाकई यानी कि वो सीरियस हो के, अब इमेजिन करो ये सुनने में देखने में ओके अच्छा लग रहा है ठीक है, हंसी भी आ रही होगी, लेकिन इमेजिन करो उस बंदे पे क्या गुजर रही होगी। चलो भाई एंड करते हैं आज की वीडियो का, आज हमने बहुत ये लोकी शो की देखे, आज आखिरी रील और उसके बाद एंड ठीक है। I am Loki of Asgard and I am burdened with glorious purpose. Okay. I can rewrite the story. यार ये जो वॉक है ना भाई, ये वॉक और भाई बेस्ट। ओह
बेस्ट भाई, ये थंबनेल लगेगा वीडियो का, क्या बात है। ओके जी, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे जो वायरल रील्स चल रही हैं इस वक्त वो देखी हैं। आप लोग बताओ आपको आज की वीडियो कैसी लगी। हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है, उसके अंदर मीम्स वाले सेक्शन में अच्छी अच्छी फनीएस्ट मीम्स भेजो, क्योंकि मैं करने वाला हूँ उनपे यू लाफ यू लूज एंड आई विल लूज मनी। एवी वाला लूज नहीं है। सो द थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, तो आप लोग भी सीरियस हो गए, जरा फनीएस्ट एवर मीम्स भेजो वहाँ। मैं देख रहा हूँ तो भाई वही जेनेरिक वो 2019 टाइप मीम आ रही होती है यार, ऐसे ना करो है। तो बस इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।